अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों वेस्ट कोट की कटिंग तो आप पहले नाप समझ लें। तो देखिए लेंथ है 25.5, चेस्ट है 31, वेस्ट जो कि हमारी कमर है वो है 28, हिप ठीक है 36 और शोल्डर जो है वो 15 है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं डबल बटन वेस्ट कोट की कटिंग, ठीक है। डबल बटन वेस्ट कोट की बिल्कुल ही न्यू पैटर्न है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में आजकल चल रहा है। मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे तो इसीलिए हम आज इसकी कटिंग लेके आए हैं आपके लिए। तो आपको ध्यान से समझना और वीडियो पूरी देखना दोस्तों, हम एक एक चीज़ आपको बारीकी के साथ समझाने वाले हैं और कंप्लीट आज हम आपको कंप्लीट वेस्ट कोट की कटिंग सिखा देंगे, ठीक है। इसके अंदर हम एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाएंगे जो कि शायद ही कोई बताएगा, पॉकेट के निशान तक बताएंगे हम आपको लगाना। और इसी वेस्ट कोट की कटिंग 1 से 2 दिन के अंदर हम स्टिचिंग की वीडियो भी लाने वाले हैं, तो इस 2 वीडियो को आप देखकर कंप्लीट वेस्ट कोट बनाना सीख जाएंगे, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। और कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करें, हम आपका 2 से 3 घंटे के अंदर 101% रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो तो दोस्तों इस वीडियो में भी आपको 50 लाइक करना है जो कि आपने पहले बहुत ही जल्दी करवा दी थी, तो थैंक यू सो मच। और वीडियोज़ पर तो इस पर भी 50 लाइक कर दें, देखते हैं कब तक करवाते हैं आप। तो ये देखिए हमने 2 इंच का मार्जिन ले लिया, ठीक है, और ऊपर से एक निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम कंधी गिराएंगे, तो आप इस तरीके से भी गिरा सकते हैं 1/4 इंच की, या आप इस तरीके से गिरा ले। तो 31 चेस्ट है हमारा, तो 4th भाग हुआ 7/8, ठीक है। तो हम 8 पे गिराएंगे, 2 से 3 सूत रखेंगे ताकि बगल में से टाइट ना हो, इसलिए हम 8 इंच गिराएंगे। अब हमारी लेंथ है 25.5, ठीक है, तो 1/2 इंच हम मार्जिन लेंगे इसका, ये आ गया 26 इंच, ठीक है। 26 इंच पे आप 26 का आधा हो गया 13, ठीक है, ये 13 आ गया 26 का आधा, और इसके अंदर हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो ये हमारा कमर का मारिक आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस मारिक को लगाना है, ठीक है ना। तो समझ ले, ये लेंथ से हमने लिया 8 इंच का, 7/8 था हमारा, तो हमने 8 इंच हमारी चेस्ट ले लिया, ठीक है। और 26 हमारी लेंथ आ गई, 25 थी तो 26 और 2 इंच प्लस करके 15 पे हमारा हिप का निशान आ गया। अब इन सभी निशानों को आप सीधा कर लें, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहे तो ऐसे मारिक आप सामने के साइड लगा लें और बिल्कुल सीधा रखें आप, टेढ़ा नहीं होना चाहिए ये मारिक, क्योंकि नहीं तो आपका मेजरमेंट बिगड़ जाएगा। तो एक तो हम 26 वाला निशान उठा लेते हैं और एक जो ये हमारा 25.5 का है इसको भी हम उठाएंगे, ठीक है, 1 इंच कम कर लेते हैं इसको हम, और इस पर भी हम एक निशान उठा लेंगे और आपको बताएंगे कि ये हमने निशान किस लिए लगा। तो वीडियो ध्यान से देखते रहें और पूरी वीडियो में बने रहें, लाइक कर दें, और जितने भी लोग हैं मेरे भाइयों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए हमारा चेस्ट है 31.5, तो कितना वो 31 हमारा चेस्ट है तो हुआ 7/8, ठीक है। तो 7/8 पे एक निशान और 2.5 इंची प्लस मार्जिन का, ठीक है, 2.5 इंची प्लस देते हैं फिटिंग के लिए, अगर आपको लूज़ रखना तो आप 3 इंच दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कमर हमारे 28, 7 चौक 28, 24 7 आया हमारा 28 का, और 2.5 इंची मार्जिन दे देना है आपको, ठीक है, इसी हिसाब से आपको रखना है फिटिंग में आपको रखना है। तो अभी हमारी हिप ज़्यादा है इसके अंदर, 36 है हिप हमारी, तो ये 36 हिप आ गई हमारी, और ये देखिए 2.5 इंच का मार्जिन। तो आपको बिल्कुल फिक्स नाप लेना है इसका, नाप बहुत ही ध्यान से लेना है आपको, जितनी आपको फिटिंग रखनी है उस हिसाब से नाप लें, और ये हमारी बिल्कुल फिटिंग बैठेगी। अगर आपको लूज़ रखना तो आप 3 इंच रख सकते हैं मार्जिन का। अब ये देखिए 2.5 इंच लिया हमने, चेस्ट पे 1 इंच प्लस कर दिया, ठीक है, 2.5 इंच ले लेना, चेस्ट से 12वां हिस्सा निकाल लें आप चेस्ट का, ठीक है, जितना भी हो आप उसका 12 से भाग कर लें, जैसे 34 है तो 12 से भाग कर लें और उसका निशान लगा के और 1 इंच प्लस लगा दें। अभी हमारा शोल्डर देखिए, तो हमारा शोल्डर था 15, ठीक है ना, ये देखिए 15 शोल्डर, और हमने 1/2 इंच प्लस कर दिया मार्जिन का 16, ये 16 का निशान आ गया हमारा। अब इससे 1 इंच प्लस लेंगे, ठीक है, समझ गए आप लोग, 1 इंच प्लस लेना है, माइनस लेना है आपको, और ये जो 2 निशान लगाए हमने ये आपका आ गया। तो ये देखिए 2.5 और 1 इंच प्लस कर दिया हमने। अब ये जो निशान है हमारा, ये आपकी बेल्ट रहेगी फ्रंट की फिक्स, ठीक है ना, इसी से निशान लगेगा, ये देखिए इस तरीके से निशान लगाना, इसको बढ़ा लेना है आपको, तो ये हो गया आपका, इस तरीके से आपको इसको लगाना, जितना भी आपका शोल्डर आना उसमें 1 इंच प्लस कर लें, ठीक है, 1 इंच प्लस कर दिया आपने, अब उससे 1 इंच माइनस कर दें तो ये आपका शोल्डर का फिक्स नाप आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इन्हें शेपर की सहायता से जैसे हमने दिया राउंड वैसे देना है आपको, तो ये देख लें आप। अब यही मारिक स्ट्रेट लगाना है आपको, 3.5 आ गया ना आपका बेल्ट का, ये देखिए, तो 3.5 ही यहाँ पर लगाना है इसको,
अब इसको हम हल्की सी गोलाई देता हुआ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप इसको इधर रख लें या दूसरी साइड रख लें, गोलाई देता हुआ लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेना हमें, गोलाई देता हुआ लेना ताकि आपका राउंड अच्छा बैठे स्टार्टिंग से। अभी हमारा आठ है, इससे हम एक इंची नीचे लेंगे, ठीक है। राउंड जो हमारा चेस्ट का निशान है उससे हम एक इंची नीचे राउंड लेंगे इसका। आपको अगर ज़्यादा नीचे तक देना तो आप डेढ़ इंची या दो इंची भी ले सकते हैं। तो आप देख लें हिसाब से, जब हम आपको स्टिचिंग करके दिखाएंगे तो पहना के भी दिखा देंगे इस जैकेट को कि कैसी लगेगी पहनने के बाद। फिर आप उस पर देख लें आपको एक इंच रखना है या दो इंच रखना है। तो ये निशान को हमने मिला के उससे क्रॉस कर दिया चेस्ट वाले निशान से, और जो एक इंच हमने नीचे निशान लिया था ना उससे हमने इसको मिला दिया। ये देखिए अब यहाँ से आप गोलाई दे लें, तो गोलाई अपने हिसाब से दे लें आप बिल्कुल परफेक्ट। जितनी अच्छी आपकी गोलाई होगी दोस्तों उतना ही अच्छा आपका ये बनने के बाद वेस्टकोट लगेगा, क्योंकि उतना ही अच्छा राउंड आएगा, और जितना अच्छा राउंड आएगा उतना ही खूबसूरत आपका बनने के बाद वेस्टकोट नज़र आएगा। तो यहाँ से आप एक इंच कंधे डाउन कर लें, ये देखिए, और इस तरीके से आपको गोलाई देना है, स्ट्रेट नहीं रखना, गोलाई देना है शेपर से, जो हल्की सी गोलाई आ जाएगी आपकी, और एक इंच आपको कंधे डाउन कर लेना। अभी इसको समझिए, देखिए ये देखिए, ये हमने जो हमारा हिप का मार्क लगा था ना नो, वहाँ से हम लेंगे और इसका सेंटर ले लेंगे और इसको ढाई इंची नीचे लेंगे, जो कि हमारे नो के बनेगी ना वेस्टकोट की, वो इस हिसाब से बनेगी। इस वाले निशान से लगाना है आपको, ये देखिए नौ इंच आ रहा है ना आपका, इससे लगा के सेंटर लेना है आपको। तो ये सेंटर आ गया आपका। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें स्ट्रेट कर लें इसको आप निशान को, ये देखिए ये स्ट्रेट हो गया। अब इसको इस तरीके से गोलाई देनी है आपको, ये देखिए। अब इसको किस तरीके से देनी है आपको, ऊपर वाले निशान से, जो हमने ऊपर वाला निशान लगा था ना उससे आपको इसकी गोलाई देनी है। ये देखिए ये आ गई गोलाई। अब इसको हम गिरते हुए देंगे, दूसरी साइड से गोलाई देंगे अब हम इसकी। ये ऊपर वाले निशान से लगाना है आपको, नीचे वाले से नहीं, और जो ये साइड है इसमें हम नीचे वाला निशान लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये निशान हमारे इस काम में आए, आप लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट वाला जो ऊपर वाले निशान से लेंगे, और जो पीछे वाली साइड है वो नीचे वाले निशान से लेंगे, और जो हमने ढाई इंच का निशान लगा उससे मिला देंगे। तो ये देखिए नौ इंच, ये इसका हमने सेंटर लिया था, ये सेंटर आ गया, यहाँ से ढाई इंच ले लिया और फिर इन मारिकों को सीधा कर दिया। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रंट। अब इसको आपको काट लेना है, तो पॉकेट का निशान भी लगा लें आप, बहुत ईजी है, वो भी हम आपको बता देंगे। तो ये देखिए हमने इसको काट लिया। अब करा क्या है हमने, बिल्कुल फिक्स काटी है हमने, बस फ्रंट से हमने इसमें एक बूट का मार्जिन दे दिया। ये देखिए यहाँ से एक बूट का मार्जिन दे दिया हमने, ये एक बूट का मार्जिन आ गया ना, और ये नीचे से एक बूट का मार्जिन दे दिया बस, बाकी और कहीं से भी मार्जिन नहीं दिया। अब ये पॉकेट का निशान है, ये देख लें आप, तो यहाँ से लेंगे आप लेंथ, देख लें आप कहाँ कितनी आ रही है, आठ इंच, ठीक है। लेंथ का जो निशान था हमारा उससे आठ इंच आ गया ये, आप अपने हिसाब से रख लें, कम ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। अभी साइड से दो इंच और ये सवा पाँच इंच हमारी चौड़ाई। तो बहुत ही ईजी निशान है ये, इसको आप फ्रंट पर उठा लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और एक आधा इंच ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बिल्कुल बराबर रखना है आपको, ठीक है, फिक्स रख लें आप इसको, तिरछी नहीं हो, क्योंकि जो हम निशान उठाएंगे, ये चेस्ट का निशान उठा लिया, ये कमर का निशान उठा लिया, ये देखिए ये निशान आपके बिल्कुल सीधे उठने चाहिए। अब ये नीचे वाला निशान उठाया हमने, ऊपर वाला नहीं उठाया, नीचे वाला निशान लगाया। अब ये देखिए जो हमारी लाइनिंग है ये बिल्कुल फिक्स आ रही है ना, ये देखिए, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये टेढ़ी हो जाएगी, ये देखिए ये टेढ़ा निशान उठेगा आपका, इसलिए हमने ये बिल्कुल सीधा रख के निशान उठाएं, ताकि हमारे सारे निशान जो हैं बिल्कुल सीधे उठे। तो लंबाई को उठा लिया, चेस्ट को उठा लिया, कमर को उठा लिया और हिप को उठा लिया। अब इन सभी निशानों को हम स्ट्रेट कर लेंगे, इस तरीके से आपको इनको सभी निशानों को स्ट्रेट कर लेना है। तो ये स्ट्रेट होगा आपके निशान। अब यहाँ से आपको निशान लगाना, मार्किंग करना, तो कंधे उठाएंगे हम एक इंच की, ठीक है, और आधा इंच नीचे लेंगे। ये देखिए लेंथ वाले निशान से एक इंच लगा लिया हमने, ये एक इंच आ गया हमारा, ये देखिए। अब आप चाहें तो इस तरीके से भी कंधे लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ ऊपर का निशान रखें, नीचे का नहीं लगाएं आप, ऊपर का रखें, बहुत ही ईजी है, हम आपको समझा देंगे। ये एक इंच ले लिया हमने, ठीक है, ऊपर कंधी एक इंच बढ़ती रखी है हमने, कंधी आ गई ना। अब आपको इसका निशान लगाना है, ये पौन इंच लेंगे हम यहाँ से, ये डेढ़ इंच चेस्ट के निशान से, ठीक है, हिप के निशान से पौन इंच, पौने दो इंच, और यहाँ से भी पौने दो इंच। ये आपको डट देना बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, इससे ये होता है कि आपकी जो बैग पीछे से झूलती है ना, लूज़ रहती है बैग,
इस चीज़ से वो आपकी बैग लूज़ नहीं रहेगी। और फिटिंग के अंदर आपको बैग भी फिटिंग चाहिए होती है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों जो हर एक टेलर लगभग यूज़ करता है इस तरीके को। इससे आपकी बैग बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगी और ना लटकेगी, पीछे से झोल खाएगी बैग, आपकी बिल्कुल फिटिंग आएगी। ठीक है, ये मार्जिन लगा लिया हमने 2 इंच का, ये हमारा बैग में मार्जिन जाएगा। अब यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे हमारा कॉलर का, ये आ गया 2.5 इंच। ठीक है, अब इससे आपको बढ़ाना है, आप इसको रख के देख लें, ये देखिए। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे तो हमारा 7.25 और 1/2 इंच मार्जिन। इस बैग के अंदर हम सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन देते हैं, ये 28 कमर और ये 1/2 इंच का मार्जिन, दबाव का मार्जिन देते हैं, बाकी पूरा मार्जिन हमारा फ्रंट में जाता है। अभी 9 चौक 36 और 1/2 इंच मार्जिन। ठीक है, जितना ही मार्जिन आता है आपका वो फ्रंट में आ जाता है, इसलिए हम बैग में सिर्फ ज़रा सा मार्जिन देते हैं। अभी इससे रखना है आपको, ये देखिए, ये आपका बिल्कुल सीधी रख लें इसको, जैसे हम निशान लगाते टाइम रखा था, और ये कंधी उठ गई आपकी, बिल्कुल फिक्स आ गई था कंधी। बहुत ही ईजी तरीका है ये कंधी उठाने का आपका, ये उठ गई। अब इसको हल्का सा शेप देते हुए और जो आपका निशान है चेस्ट का, उससे 1 इंच पीछे की तरफ ले लें इसको। ठीक है, ये देखिए 0.5 इंच पीछे ले लें आप इसको, और इसको इस तरीके से राउंड दे के मिला दें, तो अच्छे से राउंड दे लें इसको और मिला दें, ये मिल गया। अब इस तरीके से आप शेप दे लें, तो इसके अंदर पंटी थोड़ी आप शेप वाली लें, क्योंकि जितना अच्छा शेप आएगा आपका उतनी अच्छी आपकी ये फिटिंग बैठेगी, तो इस चीज़ को आप लाजमी ध्यान में रखें और लेके चलें इस चीज़ को। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पर 50 लाइक कर दें फटाफट से, जैसे कि आपने पहले की वीडियोस में किया। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का हमारी चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे ही बने रहें, हम आपके लिए 1-2 दिन में इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी ला देंगे और एक एक बारीकी से समझाएंगे आपको किस तरीके से आपको इसको करना है। तो ये इस तरीके से आप रख के देख लें कि आपकी बैग बिल्कुल फिक्स आनी चाहिए, ठीक है ना। ये बैग का ध्यान रखें, छोटी बड़ी ना हो आपकी, नहीं तो आपको बनाते टाइम दिक्कत आ जाएगी। अब इसको मारिक टू मारिक काट लें, तो कट चुकी है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच आपका सब इतना सपोर्ट करने के लिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो सब और मस्त रहो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बाय फ्रेंड्स।